कुछ महाकाव्य का एक सामान्य परिचय पढ़ते हैं। पढ़ने से पूर्व आपसे निवेदन कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज और अभी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एवं कमेंट्स जरूर करें। रघुवंश महाकाव्य का परिचय से पूर्व कवि परिचय। वो महाकवि कालिदास है, महाकवि कालिदास जो कि विक्रमादित्य राजा के नवरत्नों में से एक रत्न माने जाते थे। जहां तक उनके जीवन परिचय की बात है तो कहते हैं इन्होंने अपने बारे में कुछ विशेष नहीं लिखा, लेकिन कुछ किंवदंतियों या दंत कथाएं या जो लोक प्रचलित थी उसके आधार पर उनके जीवन में कुछ बातें बताई जा सकती हैं। विद्योत्तमा उनकी पत्नी थी। कहा जाता है कि कालिदास बाल्यावस्था से अत्यंत मंदबुद्धि थे। उस समय एक विदुषी विद्योत्तमा नाम की थी जो राजकुमारी थी, उससे कालिदास के विवाह का एक षड्यंत्र रचा गया और उनसे उनका विवाह कराया गया। बाद में विवाह के पश्चात एकमात्र उष्ट्र शब्द का उच्चारण शुद्ध न करने के कारण राजकुमारी ने उनका तिरस्कार कर दिया और घर से निकाल दिया। कहते हैं वहां से निकलने के बाद काली देवी की उपासना की और उनसे वरदान प्राप्त किया, और जैसे ही घर पर आए तो घर पर आकर के दरवाजे पर ही कालिदास ने बोला, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात दरवाजा खोलो। तुरंत अंदर से वह विद्योत्तमा कहती है, वो कस्ति कश्चित वाग्विशेषः, अर्थात कोई बहुत बड़ा विद्वान यहाँ पर प्रस्तुत है। कहते हैं महाकवि कालिदास ने विद्युतमा के इन तीन शब्दों पर ही अस्ति को लेकर के कुमार संभव की रचना की, कश्चित को लेकर के मेघदूत की रचना की, और वाक शब्द को लेकर के वागर्थाविव संप्रक्तो रघुवंश की रचना की। निवास स्थान कश्मीर, बंगाल, विदर्भ और उज्जैनी, चार अलग अलग मत विद्वानों के मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक और सर्वमान्य जो मत है वो उज्जैनी का है। रचनाएं उनकी सात हैं, ऋतु संहार जो एक खंड काव्य है, कुमार संभव एक महाकाव्य है, मालविकाग्निमित्रम एक नाटक है, विक्रमोर्वशीयम नाटक है, मेघदूतम एक खंड काव्य है, रघुवंश एक महाकाव्य है, और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है। कुल मिलाकर के दो महाकाव्य कुमार संभव और रघुवंश, दो खंड काव्य ऋतु संहार और मेघदूत, और तीन नाटक मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम। स्थिति काल उनका प्रथम शताब्दी निर्धारित किया जाता है। जन्म से ही ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे और शिव के परम उपासक थे। पहचान इनकी दीप शिखा से होती है। कहते हैं रघुवंश के छठे सर्ग में 67 नंबर का एक श्लोक है जिसमें उन्होंने इंदुमती की उपमा दीप शिखा से दी थी, और उसके लिए आज तक उनकी एक पहचान बन गई दीप शिखा कालिदास। और श्लोक है, संचारिणी दीप शिखे वरात्रौ यम यम व्यतीयाय पतिम वरासा नरेंद्र मार्गट्ट इव प्रपेदे विवरण भावम ससभूमि बालः। इसमें दीप शिखा नाम आने से महाकवि कालिदास की एक पहचान बन गई दीप शिखा कालिदास। एक और प्रसिद्धि है महाकवि कालिदास के बारे में, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कवीर भावादनामिका सार्थवती बभूव। उपमा कालिदासस्य, चार महाकवियों के बारे में अलग अलग एक प्रसिद्धि रही है जिसमें कालिदास की प्रसिद्धि जो है वो उपमा से है, भारवी की अर्थगौरव से है, दंडी की पदलालित्य से, और माघ में वो तीनों गुण प्राप्त होते हैं, उपमा अर्थगौरव और दंडी का और पदलालित्य। रीति जो है वो महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध है वैदर्भी। इसके लिए एक सूक्ति भी कही जाती है, वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। आइए अब चर्चा करते हैं रघुवंश महाकाव्य का एक सामान्य परिचय। रचयिता जैसा अभी हमने देखा महाकवि कालिदास है इस महाकाव्य के, जो कि रचना काल है ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। काव्य प्रकार है महाकाव्य जिसको कहते हैं, और ये रघुवंश महाकाव्य लघुत्रयी में गणना होती है। लघुत्रयी का मतलब है तीनों महाकवि कालिदास की ही रचना है, इसमें कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत, इन तीनों को संस्कृत साहित्य जगत में लघुत्रयी के नाम से जाना जाता है। इनमें कुल 19 सर्ग है रघुवंश महाकाव्य में। उपजीव्य वाल्मीकि रामायण और पद्म पुराण से इसकी कथानक ली गई है,
ऐसा कहा जाता है। इसमें कुल 31 अथवा 29 राजाओं का वर्णन, अलग अलग मतभेद मिलते हैं इसमें, कुछ विद्वान 29 राजाओं का कहते हैं, कुछ 31 राजाओं का वर्णन मानते हैं। इसमें प्रथम जो राजा है वे मनु, वैवस्वत मनु है, उनका वहां से लेकर के अंतिम अग्निमित्र अथवा अग्निवर्ण नाम के जो राजा है वहां तक सभी राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। कुल श्लोक इसमें 1569 कुल श्लोक है, जिसमें 12वें सर्ग में सबसे ज्यादा श्लोक है 104 और 18वें सर्ग में कम, सबसे कम श्लोक है 53 श्लोक है। अंगीरस इसका जो है वो वीर रस है और अन्य रसों का भी समावेशन हुआ है। कैसे, जैसे हम कहते हैं कि जब अग्निमित्र अंतिम सर्ग जो में अग्निमित्र के विलास का वर्णन हो तो श्रृंगार का है, अज के विलाप का वर्णन हो तो करुण रस का है, अज और राम द्वारा किए गए युद्ध का वर्णन हो तो वीर रस का वर्णन भी है, वाल्मीकि आश्रम व सर्वत्यागी रघु का वर्णन हो तो शांत रस का भी वर्णन है और सबका भी, कर मुख्य रूप से अगर रघुवंश महाकाव्य का रस मानते हैं तो अंगीरस वीर रस ही है। इसमें कुल 1569 श्लोकों में सबसे ज्यादा अगर कोई छंद प्रयुक्त हुआ है तो वह है उपजाति। कहते हैं 578 श्लोक केवल उपजाति के हैं और अनुष्टुप छंद में 548 श्लोक लिखे गए। मंगलाचरण जो है रघुवंश महाकाव्य का वो वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। इसमें पार्वती और परमेश्वर की वंदना की गई है, जो जगत के माता पिता के समान है उनको महाकवि कालिदास कहते हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ। किस लिए, वागर्थ प्रतिपत्ति, शब्द और अर्थ की प्रतिपत्ति प्राप्त करने के लिए, जो शब्द और अर्थ के समान संयुक्त रूप से हैं, ऐसे पार्वती परमेश्वर को वंदना करता हूँ। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है ये। और नामकरण इसका कैसे पड़ा रघुवंश का, तो कहा जाता है रघुणाम वंशः इति रघुवंशः षष्ठी तत्पुरुष समास, और रघुवंशम अधिकृत्य कृतम महाकाव्यम रघुवंशम महाकाव्यम, इस तरह से इसकी व्युत्पत्ति होती है। प्रमुख प्रसंग इसमें जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कौन कौन से हैं, तो उसके लिए कहा जाता है रघुकोत्स संवाद जो सर्ग पांचवे में है इसका वर्णन, इंदुमती स्वयंवर का वर्णन जो कि छठे सर्ग में है, अज विलाप का वर्णन जो आठवें सर्ग में है, राम सीता की विमान यात्रा और प्रकृति चित्रण जो 13वें सर्ग में है, निर्वासित सीता का लक्ष्मण द्वारा श्री राम को संदेश भेजना ये 14वें में है। प्रमुख पात्र जो है वो दिलीप सुदक्षिणा, गुरु वशिष्ठ, कामधेनु, नंदिनी, कुंभोदर, इंद्र, कौत्स, गुरु वर्तन्तु, रघु और इंदुमती, अज, दशरथ, राम, रावण, लक्ष्मण, लवण, वाल्मीकि आदि बहुत सारे इसके प्रमुख पात्र भी हैं। रीति एवं गुण की जहां तक बात करें तो कहते हैं वेदर भी रीति है और प्रसाद गुण है, इसकी प्रमुखता है, बाकी और भी गुण और रीति यहाँ पर पाई जाती है। आइए अब हम आपको रघुवंश महाकाव्य के 19 सर्गों का एक संक्षिप्त कथानक आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सर्ग प्रथम, राजा दिलीप की संतानहीनता, उनकी कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए गुरु वशिष्ठ के आदेश अनुसार वो कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने का व्रत लेते हैं। सर्ग दो में नंदिनी की सेवा करते हैं, सेवा के दौरान राजा की परीक्षा होती है और परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रसन्न नंदिनी द्वारा संतान लाभ का अर्थात संतान प्राप्ति का वरदान उनको प्राप्त होता है। सर्ग तीन में रघु का जन्म होता है और दिलीप के पुत्र रघु का जन्म होता है, विद्या अध्ययन की कुछ चर्चा है, फिर इंद्र से युद्ध में विजय प्राप्ति तथा रघु का राज्याभिषेक का वर्णन इसमें है। सर्ग चार में रघु की दिग्विजय यात्रा का वर्णन है। सर्ग पांच में ब्रह्मचारी कौत्स अपने गुरु को दक्षिणार्थ के रूप में 14 करोड़ मुद्राएं देने की मुद्रा देने का वचन देकर आते हैं, किंतु उनके पास थी नहीं, इसलिए वे मुद्राओं को 14 करोड़ मुद्राओं की याचना रघु से करते हैं। रघु भी तत्काल उन मुद्राओं को प्राप्त करने के लिए कुबेर पर आक्रमण का विचार करते हैं, इतने में ऊपर से कुबेर ने धन की वृष्टि कर देते हैं। प्रसन्न कौत्स
द्वारा पुत्र लाभ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और फिर रघु की संतान होती है जिसका नाम होता है अज। अज का जन्म होता है और फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, इसका वर्णन है। और इंदुमती के साथ उसके स्वयंवर का वर्णन और अज का फिर प्रस्थान वहां पर दिखाया है। सर्ग 6 में इंदुमती का स्वयंवर, पूरा जो सर्ग 6 है वो इंदुमती के स्वयंवर का बहुत सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। सर्ग 7 में अज इंदुमती का विवाह, प्रतिस्पर्धी राजाओं से युद्ध और अज की विजय। सर्ग 8 में अज का राज्याभिषेक, दशरथ का जन्म, इंदुमती वियोग और अज का विलाप। बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है ये अज का विलाप सर्ग 8 में। सर्ग 9 में दशरथ का शिकार करने के लिए जाना और उसका पूरा वर्णन है। उसी दौरान कहीं बीच में श्रवण कुमार का वध हो जाता है जिससे उनको श्राप प्राप्ति होती है। सर्ग 10 में पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं महाराजा दशरथ और फिर राम आदि चारों पुत्रों का जन्म होता है, उसका वर्णन वहां पर किया गया। सर्ग 11 में सीता का स्वयंवर और राम सहित चारों भाइयों का विवाह का वर्णन वहां पर बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। सर्ग 12 में राम वनवास, फिर सीता का हरण, युद्ध का वर्णन, रावण वध का वर्णन विस्तार से किया गया है। फिर से एक महत्वपूर्ण सर्ग आता है सर्ग 13। पुष्पक विमान से जब अयोध्या की तरफ राम लक्ष्मण और सीता वापस आते हैं तब मार्ग में समुद्र, आश्रम, गिरी, नदी आदि का बहुत मनोहर वर्णन महाकवि कालिदास ने सर्ग 13 में किया है। और सर्ग 14 में राम राज्याभिषेक का वर्णन, सीता का परित्याग का वर्णन, उसके बाद कुश लव का जन्म, राम के स्वर्गारोहण का वर्णन। 16 में कुश का राज्याभिषेक, कुश का कुमुदवती से विवाह का वर्णन, कुश की मृत्यु व पुत्र अतिथि का राज्याभिषेक, अतिथि व उसके वंशज 21 राजाओं का एक संक्षिप्त वर्णन। और सर्ग 19 में अग्निवर्ण का राज्याभिषेक, उसकी अत्यधिक विषयाशक्ति, राज्य क्षमा से पीड़ित होकर स्वर्गवास हो जाता है, रानी का राज्याभिषेक किया जाता है और फिर गर्भस्थ बालक के उत्तराधिकारी होने का वर्णन। इस तरह से 19 सर्गों में ये रघुवंश महाकाव्य संक्षिप्त रूप से बताया जाता है और 31 राजाओं का वर्णन इस महाकाव्य में किया गया है। कुछ प्रमुख सूक्तियां हैं जो हमें ध्यान में रखनी है, जैसे हिम्नः संलक्षते यज्ञो विशुद्धि श्यामिका पिवा संतति शुद्ध वंशाहि परत्रिह च शर्मणे एकांत विद्वन शिशुमत विधानम पिंडिश्वनास्थः खलु भौतिकेषु क्रिया हि वस्तु पहिता प्रसीदति मनोहि जन्मांतर संगतिज्ञम तेजसाम हि न वयः समीक्षते प्रहश्व निर्बंध रूपो हि संतः प्रतिबध्नाति हि श्रेयः पूज्य पूज्या व्यतिक्रमः न पादपोन्मूलन शक्तिरः शिलोच्चय मूर्छति मारुतस्य अम्बु गर्भो हि जीमुतश्चातकेष्व अभिनन्द्यते अभिनन्द्यते स्ववीर्य गुप्ता हि मनोः प्रसूति प्रसाद चिन्नानि पुरः फलानि पदम हि सर्वत्र गुणैर निधीयते स्थातुं नियोक्तुर् नहि शक्यमग्रे विनाश्य रक्षं स्वयमक्षतेन संबंधमाभाषण पूर्वमाहुः पर्याय पीतस्य सुरेर हिमांशु कलाक्षय श्लाघ्यतरो हि वृद्धेः भिन्न रुचिर हि लोकः काले खलु समारब्धाः फलं बध्नन्ति नीतयः यशोधनानां यशो गरीयः।